ना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर वाले के काहे बोल। ना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शटर वाले के काहे बोल। उषा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाए जात है, सभी सैयां तो खूब है। महंगाई के खिलाफ किचन की निकली झांकी, सपाई बोले बड़ी महंगी हुई रसोई, थोड़ा थोड़ा खाया करो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्षी दल अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर में आज ये किचन झांकी निकाल कर अनोखे अंदाज में महंगाई का विरोध किया गया। बड़ी महंगी हुई रसोई, थोड़ा थोड़ा खाया करो गीत गाकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में निकली झांकी में सरसों का तेल, दाल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर को सजा कर रखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न भजनों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया। झांकी पर कई जगह फूलों की बारिश भी की गई। कहा गया कि बढ़ती महंगाई से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सरसों का तेल, दाल और सिलेंडर सहित तो विभिन्न सामानों से किचन का बजट गड़बड़ा गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के मुख्य बढ़ने से जीना दुश्वार हो गया है। ये हुई महंगी बहुत रसोई और थोड़ा थोड़ा खाया करो, ये कहना है केंद्र की सरकार का, जो लगातार आम आदमी की जरूरत चीजों को महंगा करते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर के रसोई गैस से लेके अब तो सरसों का तेल और दालें तक आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गई हैं। तो ये आम जनता जो खरीद नहीं सकती, आप देख रहे हैं जो उसकी झांकी निकली है, तो लोग दर्शन करके ऊपर से फूल बरसा के इस झांकी का स्वागत कर रहे हैं। इतना हद तक ये गरीब आदमी की पहुँच के बाहर हो चुका है। इसलिए हम लोग आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि आम जनता की दुख तकलीफ को समझें, पेट्रोल डीजल रसोई गैस सरसों का तेल और दालों के दाम कम करके लोगों की पहुंच में लाएं। जनता त्राहिमाम कर रही है और फिर वही कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था कि हुई महंगी बहुत रसोई, थोड़ा थोड़ा खा सको। झांकी के दौरान सफाइयों ने केंद्र सरकार से महंगाई पर लगाम कसने की मांग की। कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा की खास रिपोर्ट, आज अभी न्यूज़।